नारायण जी, क्या आपका पहना हुआ रत्न कहीं निद्रा अवस्था में तो नहीं चला गया? क्या आपने जो अंगूठी पहनी हुई है उस रत्न की एनर्जी खत्म तो नहीं हो गई? जिस प्रकार से शरीर में पहने हुए कपड़े कुछ समय अगर ना धोए जाएं, ना प्रेस किए जाएं, ना उसकी केयर की जाए, तो वो कपड़े आपके बदबूदार हो जाते हैं और पहनने वाले व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। इसी प्रकार आपने जो अंगूठी पहनी है 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, फलां बाबा जी ने, फलां गुरु जी ने बताया था, फलां महात्मा जी ने गिफ्ट किया था, फलां गुरु जी का आशीर्वाद से मैंने नीलम पहना या ये पुखराज पहना या वो रत्न पहना, तो ऐसा तो नहीं कि इतने साल से पहना हुआ है और आपको पता ही नहीं कि आपका वो रत्न आपके लिए श्राप का काम कर रहा है, दोष का काम कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी का काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, मैं हूं आपका मित्र नारायण आचार्य चंडीगढ़ से। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा आप अपने पहने हुए रत्न को कैसे दोबारा से एनर्जाइज कर सकते हैं। कुछ रत्न तो 5 साल में एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ रत्न 7 साल में एक्सपायर होते हैं। आप अपने आसपास के जो एक्सपर्ट है, जो रत्न विशेषज्ञ हैं, उनको इसकी फोटो वीडियो बना के भेजिए, चेक करवाइए सबसे पहले। दूसरी बात, अगर आपका रत्न अच्छा है तो आप इसे दोबारा समय समय पर शुद्ध करें। शुद्ध करने के बड़े सारे तरीके हैं। मान लीजिए आपने एक नई अंगूठी बनवाई और पहन ली। अब जिस कारीगर ने बनाया, या हो सकता है वो रत्न पुराना हो, किसी और का पहना हुआ आपको दे दिया हो, ओल्ड स्टोन हो, वो किसी क्रिमिनल के हाथ में पहना हुआ रत्न हो, या किसी बीमार व्यक्ति के हाथ में पहना हुआ रत्न हो, तो उस रत्न में उस बीमार व्यक्ति की, या उस व्यक्ति की, जो भी जिसने भी पहना होगा, उसकी एनर्जी उस रत्न में समाहित हो जाती है ज्यादा लंबे समय पहनने से। अब जैसे कुछ लोग जब एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके घर वाले क्या करते हैं कि उनके पहने हुए जो पुरानी अंगूठियां रत्न होते हैं वो ज्वेलर को सेल कर देते हैं। ज्वेलर क्या करते हैं, गोल्ड को रख लेते हैं और स्टोन को साफ करके दोबारा मार्केट में रीसेल कर देते हैं, थोड़ी रीपॉलिश करवा के, रीकटिंग करवा के। तो कहीं आपके पास वो रत्न तो नहीं आ गया, और आया है तो अब इसका इलाज क्या है? तो क्या आपने अपने उस रत्न को शुद्ध किया? नहीं किया। तो अब आपको मैं बताता हूं आज एक कुछ ऐसी विधि जो घर में करने मात्र से आपका रत्न में एनर्जी आ जाएगी और आपके रत्न की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अब जैसे जिस कारीगर ने बनाया, उस कारीगर के बनाते समय क्या भाव थे, क्या एनर्जी थी, क्या वो खा पी रहा था उस समय बनाते हुए। बहुत सारे लोगों के हाथ लगते हैं, अंगूठी नई हो या पुरानी हो, आपके पास जब रत्न पहुंचा है तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध एनर्जाइज होना चाहिए, तब आपका रत्न आपको रिजल्ट देगा, काम करेगा। बहुत सारे लोगों का अनुभव, मेरा अनुभव क्या रहा, मैंने किसी व्यक्ति को कोई रत्न पहनाया, पहले रत्न पहनाया, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और बाद में फिर उन्होंने क्या किया, कहीं से और रत्न ले लिया एक, और लेके ऐसे ही पहन लिया, क्योंकि वो रत्न शुद्ध नहीं था। वो कहते हैं, नारायण जी पहले हमने नीलम लिया, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, दोबारा नीलम लिया, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो कारण, वो रत्न के अंदर एनर्जी नहीं समाहित की गई, उसी प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, पूजन यज्ञ चैंटिंग बोलते हैं आपकी भाषा में, चैंट करना, मंत्र उच्चारण करके उस रत्न को जागृत करना। जैसे मंदिर में भगवान की प्रतिमा, जब आपने देखते होंगे किसी भी भगवान की प्रतिमा को, किसी भी मंदिर में, किसी भी धर्म स्थान में जब भगवान को स्थापित करते हैं, उनके 5 दिन 7 दिन तक दूध में, दही में, गंगा जल में, शहद में, चीनी में, गुड़ में, बहुत सारी चीजों में, सप्तमृतिका में, काफी सारी चीजों में उन्हें डुबो के रखते हैं, उन्हें लपेट के रखते हैं, ढक के रखते हैं। उसमें गेहूं में भी बहुत सारे ऐसे तरीकों से उस प्रतिमा को एनर्जाइज किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंत्रों के द्वारा से। प्राण प्रतिष्ठा यानी उसे जागृत करना, जिंदा करना। तो आप अपने रत्न को या तो सबसे पहले तो किसी विद्वान ब्राह्मण से, मंदिर के गुरुजी से, पंडित जी से अच्छे से उस रत्न को शुद्ध करवाइए। अगर आप वो काम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो आपको कुछ छोटे छोटे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, गंगा जल मिल जाए तो सबसे अच्छा है, हॉली वाटर। अब जो पंजाबी लोगों के घरों में गुरु घर का जल मिल जाता है, और कुछ जगहों पे होली वाटर होता है, कुछ जगहों पे गंगा जल बोलते हैं, जो शुद्ध जल होता है, एनर्जी वाला, वो जल आप अपना थोड़ा लीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच, उसे रत्न को आप 1 घंटा 2 घंटा डुबो के रखिए।
आपकी अंगूठी है, पेंडेंट है, आपका ब्रेसलेट है, उसी गंगा जल में डुबो के रखिए। दूसरा तरीका, उसके ऊपर आप जाप करिए, जो भी आप भगवान को मानते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आप प्रे करते हैं, वो प्रे करके आपने जितना देर आप प्रोसेस करेंगे, उतनी देर तक आपने क्या करना है, मंत्र का जितनी देर तक आप जाप करेंगे, उतनी देर तक आप उसे वॉश करते रहिए। दूसरी बात, जैसे कि आपका दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, एक एक चम्मच ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा शहद, थोड़ा सा कम ले लीजिए, घी थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, या घी थोड़ा कम ले लो, शहद थोड़ा ज्यादा ले लो, बराबर मात्रा में घी और शहद नहीं लेना चाहिए बस। इन पांचों अमृत को, पंचामृत को एक कटोरी में डालिए, उसमें वॉश कर लीजिए, उसमें वॉश करके अच्छी तरह ब्रश से आप रगड़ लीजिए। उससे वॉश करने के बाद फिर आप अपना भगवान का प्रे करिए, धूप दीप दिखाइए, जो भी आप जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र है ना, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, कुछ भी जाप करिए। 5 मिनट तक आपने भगवान को ऐसे आंख बंद करके सच्चे मन से, श्रद्धा से, उस रत्न के ऊपर, उस ब्रेसलेट के ऊपर, उस पेंडेंट के ऊपर एनर्जी लगानी है आपने। उससे क्या होगा, उससे आपका वो रत्न एनर्जाइज हो जाएगा। अब इसके पश्चात छोटे 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 और भी जैसे छोटे छोटे टिप्स हैं आपके लिए। जैसे आपके घर के अंदर कोई पेड़ है, छोटा सा गमले में कोई पेड़ लगा हुआ है, तुलसी जी का पेड़ है, पीपल का पेड़ कहीं आसपास में है, वहां की मिट्टी में आप उस रत्न को, उस अंगूठी को, उस ब्रेसलेट को आप समेट के रख सकते हैं, ढक के रख सकते हैं मिट्टी के बीच में। मान लीजिए आपका एक नीलम है, स्टोन है, या वो स्टोन बना हुआ पेंडेंट है जो पहना हुआ है आपने, उसे आप दूध गंगा जल में धोके और आप पीपल की जड़ के अंदर उसको छुपा के रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग, अब महंगा रत्न है तो आप पीपल की जड़ में ऐसे नहीं रख सकते, कहीं कोई निकाल ना ले। तो आप क्या करें, आपके घर में अगर तुलसी जी भी नहीं है तो आपके घर में मनी प्लांट होगा, या फिर कोई भी ऐसा पेड़ जिसमें कांटे ना हो, जिसमें कांटे ना हो, उस रत्न, उस पेड़ की जड़ में थोड़ी मिट्टी के अंदर आप अपनी अंगूठी को एक रात के लिए थोड़ा सा खड्डा खोद के वो मिट्टी ऊपर से ढक के रख दीजिए गमले में, घर के अंदर ही। वो भी अगर कर लेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी आपके रत्न में। अगले दिन सुबह दूध गंगा जल में धो के ब्रश करके पहन लीजिए प्रे करके। दूसरा है नदियों का जल। आपके आसपास में कोई नदी बह रही हो, नहर जिसे बोलते हैं, नदी बह जिसको बोलते हैं, उसमें आप अपने उस अंगूठी को एक धागे में अच्छी तरह बांध के, कहीं ऐसा ना हो कि बह जाए, रस्सी में अच्छी तरह अंगूठी ब्रेसलेट को आप बांध के और थोड़ी देर नदी में डुबो के रखिए, और आप वो अपनी चैंटिंग कीजिए, अपना मंत्र, अपनी प्रे कीजिए अपने भगवान की। फिर देखिए आप कमाल, आपके रत्न में कितनी ज्यादा एनर्जी आएगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद आप क्या कर सकते, समुद्री जल ले सकते हैं। समुद्री जल, जिसके आसपास में समुद्र है, वो समुद्र का जल लेकर के आप उस जल को, उस जल से आप अपने रत्न को, अपनी अंगूठी को, ब्रेसलेट को धो लीजिए, उससे आप पहन सकते हैं शुद्ध करके। और जो भी आप ये प्रोसेस करेंगे, धोएंगे जिन भी चीजों से, जो भी प्रोसेस करेंगे, इसके बाद थोड़ा धूप, अगरबत्ती का धुआं दिखा दें, बहुत अच्छा है। एक और प्रोसेस है बहुत अच्छा, इजी आपके लिए। नॉर्मल साफ वाटर में आप अपने रत्न को वॉश करिए और सूर्य की किरणों में 5 से 7 मिनट तक रख दीजिए। लेकिन शर्त है कि मॉर्निंग का सूर्य होना चाहिए, ये नहीं हो कि दोपहर के 2 बजे आप रख दो और आपका रत्न फट जाएगा, क्योंकि कुछ रत्न बड़े वीक होते हैं, जैसे ओपल है ना, ऐसे कुछ रत्नों को आप बाहर नहीं रख सकते ज्यादा देर तक धूप में। 5 मिनट तक 7 मिनट तक आप किसी भी रत्न को सुबह सुबह की धूप में भगवान सूर्य के सामने रखेंगे तो भी आपका रत्न एनर्जाइज हो जाएगा। आपकी अंगूठी में कहीं मैल तो नहीं जमा हुआ पीछे, कचरा तो नहीं जमा हुआ, साबुन लग लग के साबुन जम जाती है, गंदा हो जाता है वो रत्न पीछे से, तो उसके ऊपर किरणें अंदर, किरणें जो है आपके अंदर प्रवाहित नहीं कर, आपके शरीर में नहीं एंटर करती, तो वो भी एक तरीका है कि आप उसे अच्छे से साफ कर लीजिए। आपका रत्न को क्लीन करना है, आपकी अंगूठी को क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर इस सारे प्रोसेस को अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए आपका जरूर कल्याण होगा, आपका रत्न फुल एनर्जी के साथ आपको काम करेगा, आपको सबसे ज्यादा लाभ देगा। तो दोस्तों, समय समय पर हम कोशिश करेंगे आपको नई नई वीडियो, नई नई जानकारी देते रहेंगे। आप नारायण जी के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ कुछ ही समय के पश्चात।
नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।